गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज का सुविचार है, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। कितनी अच्छी बात कही है किसी ने कि सपने तो सपने ही होते हैं, लेकिन हम जो नींद में सपने देखते हैं, अगर उन सपनों को हम सच कर पाए तो वाकई वो सपना हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, पार्ट दो, एक जगत एक लोक, एक बहुत अच्छी सी कविता है और जो हमें राष्ट्रीय भावना से, समानता की भावना से और विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित करती है। तो बच्चों, काव्य पढ़ने के बाद हमने शब्दार्थ लिखा है, शब्दार्थ के बाद स्वाध्याय पेज नंबर 9। स्वाध्याय पेज नंबर 9 में आपको 3-4 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कविता सिखाया है, आपको समझाया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स ब्लैक बोर्ड पे भी बता रही हूँ। ध्यान से आप देखेंगे, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, तो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व आए थे, याद है? एक ही जल, हवा, धरती, आसमान और चांद है, चंद्रमा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया, मतलब काव्य का जो टॉपिक है, नाम है, वो एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है ना? तो सीधी सी बात है, एक जगत एक संसार और एक लोक, मतलब हम सब अनेक धर्म के, जाति के, अलग अलग देश शहरों पे रहकर अलग अलग पूजा पाठ, रीति रिवाज, संस्कार मानते हुए भी हम सब एक हैं, लेकिन हमारा खून एक ही है, खून का रंग लाल है। तो बच्चों, इसलिए इस कविता का शीर्षक, इस काव्य में समानता का भाव बताया गया है, राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना बताया गया है। आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, शीर्षक मतलब टॉपिक, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि समानता का प्रेम है ना, अनेकता में एकता आदि, ये कुछ भी टॉपिक आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सभी नदियां अलग अलग हैं, सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, मतलब नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, अलग अलग बहती हैं, फिर भी कवि कहते हैं कि पानी एक ही है। स्वाभाविक है, पानी का रंग एक होता है, अलग अलग स्थानों से निकल कर वो जाकर समुद्र में ही मिल जाती है और पानी का रंग एक हो जाता है। तो मतलब प्रकृति के तत्व से हवा है, पानी है, जो बिना भेदभाव के हुए हमें भगवान ने दिया है, उनका ये उपहार है। तो बच्चों, आज का ये जो क्वेश्चन आंसर्स था, आपको समझ में आ गया होगा कि नदियाँ अलग अलग जगहों से निकलती है, लेकिन पानी का रंग एक ही होता है और इसलिए कवि ने कहा है कि पानी एक ही है। धन्यवाद।